सभी दर्शकों का श्रावस्ती पोस्ट न्यूज चैनल पर स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले कि श्रावस्ती जनपद से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिमरी चौराहा पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक 30 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसा कि आपको बता दें कि युवक अपने घर से बाइक पर सवार होकर खाद लेने जा रहा था, तभी रास्ते में राहुल स्मारक इंटर कॉलेज के पास तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक चालक को रौंद दिया। सड़क दुर्घटना में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया। डॉक्टरों के द्वारा घायल युवक का उपचार किया गया और हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बाइक चालक युवक को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। और वहीं सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला सिमरी चौराहे के पास की घटना है, जो राहुल स्मारक है। वहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक 30 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उपचार के लिए संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। ये 9 बजे घर से निकले थे खाद बिया लाने के लिए। बजाज एजेंसी के सामने इनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। समरी चौराहे के पास। अच्छा, ट्रैक्टर चालक? ट्रैक्टर चालक मुश्ताक खान। मुश्ताक नहीं, निहार। अच्छा, उसको पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया हुआ है। हालत कैसी है आपके पेशेंट? हालत टूट गया है। मामला ये है भैया, लड़का हमारा आवा रहा है, जो है तो उन खाद भी आने तो यहाँ का सोझे सो ट्रैक्टर चढ़ाए दी। अब यहाँ से रेफर किया जाता है बहराइल लिए। हालत बहुत गंभीर है। कहाँ पर हुआ था हादसा? भवा राहुल स्कूल के पास कसई रोड। अच्छा, कितने साल की उम्र है जो चोट? 30 साल को मिली है भैया। जो ट्रैक्टर चालक वो कहाँ का रहने वाला? ट्रैक्टर चालक चौराहा का रहने वाला है, सिमरी गाँव। हाँ, वो पकड़ा गया? पकड़ा गया, बोला वो घर पर भाग गया अपने। रामजीवन यादव। कैसे? खाद लेने गए थे सिमरी चौराहा पे और खाद लेकर खड़े थे और ट्रैक्टर वाला आया, सीधा चढ़ा दिया ट्रैक्टर। कहाँ का रहने वाला ट्रैक्टर चालक? अकबरपुर का। और ये कहाँ के रहने वाले जो चोट खाए? राजापुर, हमारे गांव के। क्या नाम है इनका? संतोष कुमार मिश्रा। कितने साल की उम्र है? अरे 37। इनके पिता का क्या नाम है? कृष्ण कुमार मिश्रा। तो कैसे, क्या हादसा हुआ था? खाद बिया लेने आए थे सिमरी चौराहा पर, वहीं पर खड़े थे और राहुल स्कूल के सामने वहीं पर एक्सीडेंट हुआ।